12 सेल वाला ये बढ़िया बज रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैंने डाल दिया 20 सेल वाला। पेस्ट करवा दिया यार व्लॉग में ही। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, ऐसी भीड़ हो रही है आज हमारे स्टोर में। टैप कराने आए थे, हमारे भाई फ्री नहीं है। स्विफ्ट देखो इनके पास एंडेवर भी यार, कितनी बढ़िया गाड़ी तैयार करवा दी भाई ने। मॉडर्नाइजेशन बैजिंग करके दे दी हमारे भाई। अबे भाई अब रात के 3 बजे कहाँ जाओगे साफ करके? सारे मेरे भाइयों को राम राम। और आज भाई हम बहुत अच्छा सेटअप दिखाएंगे आपको स्विफ्ट में। मतलब हर एक आदमी लिथियम वगैरह ये सब डालते हुए नहीं दिखाता बहुत तरह से दुनिया में, लेकिन हम आपको एक एक चीज दिखाएंगे कि लिथियम कैसे डलती है, क्या उसका काम है, कितनी पावर के सेल है उसमें, कितनी वो बैटरी कंज्यूम करेगा, कितनी वोल्टेज नीचे जाएगी। देखो ये रही स्विफ्ट भाई, जिसमें भाई ने आलाई वाला सब लगा रखे हैं। और पेटी हमारी देखो, ये पेटी अब की बार तो हमने मजा खड़ा कर दिया। किंग कोबरा वाले भाई ने जो हमें मॉडर्नाइजेशन की बैजिंग करके दे दी हमारे भाई, क्या नाम है स्टोर की, तो काफ़ी अच्छी लग रही देखने में। और बात करें भाई हम वरना की, तो वरना भी भाई लगभग कम्प्लीट सही है, क्योंकि इसके जो बूट है और ये है दोनों अलग अलग है। उस भाई को बनता कि भाई बूट छत और बोनट ये तीनों काले, बाकी पूरी गाड़ी ग्रे, जो हमारा ब्रिजो वाला कलर ऐसा, ये शाइनिंग ब्लैक है भाई, मतलब कि ग्लॉस ब्लैक। और स्विफ्ट में मैं बता देता हूँ भाई अब क्या क्या काम चालू हो चुका है और धीरे धीरे क्या क्या काम हम इसमें करेंगे। देखो गत्ते इसके सारे खुल गए हैं, चारों स्टूडियो खुल गया इसका। भाई हम मीटर भी चेंज करेंगे, VXI की गाड़ी है और इसमें ZXI का मीटर लगाएंगे। और सामान मैं आपको दिखा देता हूँ, सामान रखा होगा यहीं कहीं, वो भी थोड़ी बहुत देर में दिखा दूंगा आपको। इन भाई की स्विफ्ट देखो, इनके पास एंडेवर भी यार, कितनी बढ़िया गाड़ी तैयार करवा दी भाई ने। देखो भाई बाइक पे भाई सेरेमिक वगैरह में करेंगे, अभी छोटे मोटे देर में काम दिखाएंगे आपको। बाकी भाई गाड़ी देखो कितनी तगड़ी लग रही है, बाकी खड़ी अपनी वो खड़ी। हाँ जी बहुत बढ़िया सेटअप लगा रहा हूँ मैं, बता दिया कैसा कैसा वही और तो क्या क्या करोगे इसमें भाई? इसमें सबसे पहले तो एक लिथियम मैग डाल रहे हैं 12 सेल, जो 2 से 2.5 हज़ार आ रहा है आपके सेटअप पे स्टेबल रहता है। ऊपर की बात करो तो 1600 में हमारे सब ऊपर है, जो आपका आपका डेप फोन नहीं 2100 मोनो चलाएगा, 800 पर 2 डेप फोन, ये होगा बेस का सेटअप। क्वालिटी आपकी ट्यून्ड है, जो लो और लाउड दोनों हो जाएगी, पर्टिकुलरली ज़्यादा लो या लाउड से चारों गेटों में। और अवतार के बुलेट टूटर्स और जो आपके आर्नोल्ड है ये ड्राइव करें आपके इंटर कनेक्टर पर 2। और अगर मैं बात करूँ मोको का 4 सिलेंडर आता है 120 RPM पर चैनल, वो आपके बुलेट ट्विटर। और इन्फ्यूजर इसमें अगर ओवन या मिड बढ़ाते हैं तो 3 चैनल RPM खाली पड़े, तो ये प्लान करते हैं। और एक हेड यूनिट 5290 और प्रोसेसर में 7600। बहुत सारा माल लगा, बहुत सारा 2 लाख रुपये का हैवी सेटअप है, बहुत क्लीन सेटअप है, भरा नहीं हुआ तो 10 मिनट भाई को देखा भाई जाए हमारे पास कराने आए थे हमारे भाई फ्री नहीं है भाई, जब भी आए भाई के पास फ्री नहीं होते हैं कभी। और ब्लॉग में देख लो सुबह 6 बजे है, मैंने दिखाया 6 बजे तुम्हें, भाई देखो पहले लग रहा था हमारे ब्रिजो में ये बैंक 12 सेल वाला ये बढ़िया बज रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैंने डाल दिया 20 सेल वाला। हाँ जी हाँ जी, ये क्या जरूरत पड़ेगी इसके लगाने की? पड़ेगी कुछ बड़ा लग रहा तो कुछ बड़ा आएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट करनी है। आज तो बहुत तगड़ा सिस्टम लग रहा है भाई, देखी चाहिए 6-6, 7-7, 10-10 जने लग रहे हैं एक ही गाड़ी में। रवि भाई हमें तो ना लग रहा सिस्टम लग रहा, कुछ और ही हो रहा है यहाँ तो लग ठीक है। ये एंड है मनोज भाई, क्या हाल है? बढ़िया मनोज भाई, काम है हमारा बैटरी नहीं, बैटरी तो बोलते नहीं हम, क्या बोलते भाई? बैंक बोलते हैं, पैसा ही पैसा बैंक में, तो भाई सारा पैसा जो है यहाँ अलझा पड़ा। देखो यूरा
अब इसकी इतनी सारी वायरिंग भाई, ये मैं कैसे समझाऊँ, समझाने वाला मैटर खराब है। ये भाई एक फ्यूज लगा दिया इसमें 200 एच का, ताकि कोई दिक्कत परेशानी हो जाए। और यहाँ हमारा लौंडा बैठा, देखो बेचारा हर वीडियो में यहीं बैठा मिला, कहीं नहीं जाएगा ये गौतम। हाँ भाई, ऐसी भीड़ हो रही है आज हमारे स्टोर में, ये देखो। ऐसा नहीं भाई, देखो ऐसी भीड़ हो रही है, पता नहीं सिस्टम लग रहा, पता नहीं क्या लग रहा। क्या ले, बढ़िया मजा आ रही है, मजा आ रही है। सिस्टम बजा देगा हमारा, सिस्टम बज जाएगा और केला बजेगा, बेस बेस आएगी बस, वो बेस नहीं आएगी। सलमान तेरी और मेरी शर्त लग गया ऑन यूट्यूब ऑन कैमरा। आज क्या दिखा रहे हो, 0.5 में क्वालिटी है। क्या कस रहे हो, गोबर कस रहा हूँ, डब बोलते देखे कभी? अच्छा हमने ना देखे भैया। ये अरे मशीन वो ले लेते यार, मशीन कहाँ पे कैसे लगे, इतना बड़ा इतना बढ़िया स्टोर कर रखा है, टूल्स मंगवा लो बढ़िया, टूल की जरूरत नहीं हमारे हाथ में। गाड़ी बंद पे भी 13.1 ऐसी आएगी। एक स्विच मैंने यहाँ लगा दिया ऑन ऑफ का, ताकि ये बैटरी ना खराब ना करे, और भाई 2-4 दिन गाड़ी बंद भी रखे तब भी कोई दिक्कत ना हो। और ये मीटर चेंज कर दिया भाई, ये है ZXI का मीटर भाई, ZXI ऑप्शनल अच्छा बिल्कुल टॉप, इससे ऊपर मीटर नहीं। तो भाई गाड़ी है VXI और मीटर भाई हमारे पास लाए थे, तो हमने इंस्टॉल कराया कर ली, हमने लगाया नहीं। ये 7600 भी भाई लाए थे, लेकिन इसकी लीड में दिक्कत है, देखो अब यहाँ RC इनपुट वाला काम जब रहता है तो ये थोड़ी दिक्कत थी, तो हमने लगाया नहीं। बाकी 5290 ये पड़ा, ये हमने लगा दिया, कार्डी K3 लगा दी 6 पीस वाली, सारा हमने इसमें बहुत बढ़िया लगाया, सारा फिटिंग चल रही है सारी, दोनों बूफर लगा दिए, फिटिंग करेगा आपको। अब तो ये लड़के ने गत्ते कस दिए, सीट कस दी, नहीं तो मैं इसको ऐसे फैला के दिखाऊंगा अभी थोड़े। बाकी सामान भाई ये रहा जो भी हमने इसमें लगाया है, ये अवतार के ट्यूटर लगा दिए, कार्डी की K3 लगा दी, आर्न लोड लगाए भाई हमने इसमें, देखो ये आर्न लोड स्लेस, अरे ये तो सिल्वेस्टर है, बेइज्जती करवा दी, कौन है आर्न लोड, ओ गौतम ये बेइज्जती करवा दी यार व्लॉग में। हाँ यूरा आर्नोल्ड भाई, ये एक नहीं दो सेट लगाए, दूसरा भाई ये रहा लो आर्नोल्ड। तो भाई दो सेट लगाए थे हमने, ये हमने मोनो लगा दिया, इंटरफायर के दो इसमें हमने चार चैनल लगा दिए, मोको का 120 वार में जो पर चैनल देखो वो रहा छोटा सा वो लगा दिया भाई। स्विफ्ट का हमारा काम हो गया कम्प्लीट। एक बार मैं गौतम ये बता देता भाई, जो काम हमने इसमें करा है वो भी, और जो नहीं करा है वो भी फ्रंट से लेकर आखिर तक। तो भाई ये VXI मॉडल है गाड़ी भाई ने, तो टॉप मॉडल के हेडलाइट लगवा रखी है, और 2 दिन गाड़ी पुरानी है भाई ने अलग लगवा दी है, PPF करा दी, PPF देखो जैसे ये रहा छोटी बहुत चीज़, ये थी PPF करा दी, अंदर से बात करें भाई अंदर से, तो K3 हमने इसमें लगा दी। टॉप मॉडल का भाई के पास मीटर था, तो हमने खाली फिट कराया, हमने इंस्टॉल कराया, हमने हमारे पास था नहीं ना बाहर हमारा ये काम। बाकी बात करें हैंड यूनिट की, भाई 5290 लगा दी, 7600 भाई के पास था, लेकिन इसमें लग रही थी ये तामझाम खराब था भाई, तो हमने ये लगाए थे। बाकी ट्यूटर लगा दिए हमने अवतार के यहाँ पे, आर रोड की हमने इसमें मिड लगाई है। और बात करें पीछे, तो भाई आप वायरिंग देखो, देखो कितनी क्लीन वायरिंग है, ये फट्टा लगाया भाई बकायदा है, क्योंकि इस पे रोड रहती है तो टाइवेट लगा दी, अब ये ना हिलेगा ना डुलेगा, कहीं नहीं जाएगा। डेबोन्स का हमारे पास मोनो था 2100.1D, और इंटरफायर भाई दोनों इंटरफायर 4 मिड रेंज जो है हमारी आर्नोल्ड की वो रन कर रहे हैं, और ये जो मोको है भाई ये खाली ट्यूटर रन कर रहा है 2 जो आगे अवतार के डले हुए हैं। फहीम मजा आ गया फुल, क्या बेचारे लौंडा के पैर सो जाए बार बार, पता नहीं कहाँ जा रहा है भाई, पैर सो जाता है, पैर जगाएगा भाई, पैर वैर मत सोएगा अपने, बैठे बैठे काम, यहाँ बैठ जाएगा आराम से और लगा रहेगा जब तक गाड़ी काम कम्प्लीट होगा, इसी में अंदर बैठ रहेगा भाई, ऐसा लौंडा है हमारा। अब एक बार इसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको गाने सुनाते हैं भाई, कैसे भी जो ये लाउड और लो हमने पेटी भाई ऐसी बनाई है जो लाउड और लो दोनों मारे, तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं और गाने बजाते हैं कोई बढ़िया सा भाई, इसका एक बार आउटपुट सुनाते हैं आपको, खत्म करते हैं स्टार्ट है। आवाज का 25 आवाज I'm
आज की वीडियो में हमारे साथ हमारे वरुण भाई। तो वरुण भाई, रवि भाई, और रात के 3 बजे कहाँ जाओगे साफ करके? अभी बता सिस्टम कैसे बज रहा है? बढ़िया। मेरा डोला देखो भाई कितना तगड़ा। ये बढ़िया गौतम देख रहा आज ऑफिस ऐसा हो रहा जैसे कितने ही मतलब 20 आदमी का रोटी कर रहा है हमने। छोटा फंक्शन भी लग रहा देखो दुनिया भर का नंगा तो डेबोन बेबोन सब यहीं पड़े। हेल्प हेल्प चिप्स आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक बर्गर आलू वहाँ रखे बहुत सारे। तो देखो खत्म कर दिया आज पैसा ही पैसा। 200 के रोटी बचे हैं हमें बाकी फोन। तो भाई अब चल रही है 24/7 तीनों गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई और बेवा देखो एक नंबर टाइम भाई ठीक ठाक हो रहा है। मेरे को ध्यान नहीं कितना हो रहा क्योंकि घड़ी मैंने पहन रखी। ये भाई मेरी फेवरेट लाइट है रेड एंड ब्लू। इनकी तो पीली दिख रही है इनकी पीली इनकी लाल या की सीएनजी वाली है अपनी पेट्रोल वाली है मौज कर रखी। देखो यही था पूरा सेटअप जो स्विफ्ट का जो हमने कंप्लीट कर दिया इंस्टॉल कर दिया उसमें। उसमें लगभग थोड़ा बहुत सामान भाई का था बाकी ज्यादातर हमारा था। और भाई बात करें सिस्टम की कॉस्ट की तो करीबन 1.5 लाख के आसपास था ये। तो यही थी आज की पूरी वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राम राम जय भावानी।